प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को प्लास्टिक के प्रयोग न करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन नगर निगम के द्वारा किया गया। रैली टाउन हॉल से प्रारंभ होकर अग्रसेन तिहरा, विजय चौक, गणेश चौराहा, चेतना तिराहा, कचहरी चौराहा होते हुए वापस टाउन हॉल पर आकर समाप्त हुई। रैली नगर निगम, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट शामिल हुए। इस मौके पर नगर निगम परिसर में महापौर द्वारा अधिकारियों को जूट के बने झोले व बॉटल होल्डर दिए गए। रैली की शुरुआत मंडलायुक्त जयंत नालिकर, महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एडीजी जैन सिंह सहित नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया तथा सभी अधिकारियों ने रैली के साथ पैदल चलकर लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए भी जागरूक किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और गंदगी का यह प्रमुख कारण भी है। आम जनमानस को प्लास्टिक की थैली के स्थान पर अपने साथ कपड़े की थैली का प्रयोग करना होगा। अपने संबोधन में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन ने कहा कि प्लास्टिक के प्रयोग से नालियां जाम हो जाती हैं, जिससे मच्छर आदि का प्रकोप ज्यादा होता है। प्लास्टिक का प्रयोग न करने से हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, एडीजी जयनारायण सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, जो भी आज रैली में शामिल होंगे, हमारे पीछे एनसीसी के भी काफी युवक जो है दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों को भी मेरा यही कहना है कि इस तरह सभी किसी भी रैली में किसी भी दौड़ में अवश्य शामिल हुए। आज आप मैंने अभी अखबार जो कल डबल सेंचुरी मारे, उन्होंने भी यही कहा कि वो लंबी लंबी दौड़ में शामिल होते थे। इस परिप्रेक्ष्य में ये दौड़ और भी महत्वपूर्ण हो गई है कि देखिए कि लंबी लंबी दौड़ लगाने वाला लंबा लंबी इनिंग्स खेलता है। तो हम सभी लोग अपनी जिंदगी में ऐसे ही लंबी दौड़ लगाए। पुनः इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी में विश्राम देते हुए पुनः हम इस सफल रैली के आयोजन के लिए जो है इनके आयोजकों को जो है मैं बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मंचा सिंह, सभी अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, मेरा साथी बच्चे और मीडिया साथियों, वैसे आप जानते हैं 1 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हो चुका है पूरे भारत से, बट हम लोग का जिंदगी अंदर ऐसे घुस गया है सिंगल यूज प्लास्टिक, हम पहचान नहीं पा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक क्या चीज़ है और मल्टीपल यूज प्लास्टिक क्या चीज़ है, उसे कैसे दूर करना है। और देखिए, जो हम बस केवल छोटी सी आपसे आग्रह करता हूँ, हम लोग रोज सुबह सुबह निकलते हैं, जेब में जो जरूर रुमाल रखते हैं, कलम रखते हैं, मोबाइल फोन तो जरूर रखते हैं, उससे वजन बहुत कम है। एक छोटी सी तेली भी रख लीजिए आपके जेब में, नहीं तो गाड़ी में, उससे आपका आराम से जो ये बेवजह जो प्लास्टिक के यूसेज है वो अपने आप दूर हो जाता है। और प्लास्टिक का जो कितने नुकसान होता है आप देख सकते हैं, हमारा जनपद स्वयं एक आदर्श एग्जाम्पल के रूप से है। हम लोग 6 महीने पहले से हम लोग एक अभियान चलाए, उसका असर JEE, जापानीज इंसेफेलाइटिस और तमाम बीमारी के ऊपर पड़ा है, ताकि जो ये प्लास्टिक है यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं वो कहीं ना कहीं नाली कूड़ा कहीं से जाकर फंस जाता है, उसी की वजह नाली का सफाई नहीं हो पाता है, जो कूड़ा करकट ऐसे रह जाता है, ताकि प्लास्टिक ऐसे चीज से ये हजारों साल में छटता नहीं है, तो ऐसे ही पड़ जाता है उस पे। और आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर इस पे खाके मर भी जाती है। ये 4-5 दिन पहले जो 3 गाय जो मरी थी, हम लोग पोस्टमार्टम कराए, तब एक एक जानवर का पेट से 20 किलो प्लास्टिक निकला है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देखिए हम लोग भारत में ट्रेडिशन के ऊपर बहुत जोर देते हैं, उसका गर्व करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। जो हम तो मैं अभी भी याद है, मेरा पिताजी का जो कलम, मेरा दादाजी के कलम रखने में मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। राजधान में जो खुद भी जो मोंट ब्लैंक जो भी तो महंगा कलम खरीदते हैं उससे बेहतर, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, यूज और रीयूज हमारा कल्चर में है। ये 91 के बाद तब भारत ओपन इकोनॉमी हो गया, तब वो बाहर वाले आकर के अपने चीज बेचने के चक्कर में हम लोगों पर थोक दिया। ये जो प्लास्टिक बोतल है और पॉलिथीन बैग है इत्यादि, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इससे आपको नहीं पता है कितने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं और कितने लोगों को नुकसान होता है। पुनः हम लोग को पुनः परंपरा का लाना होगा, हम उससे गर्व महसूस कराना होगा, उसी की शुरुआत हम गोरखपुर से करेंगे। मैं आपसे नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस अभियान के साथ हम लोग का साथ दीजिए, ताकि ये गोरखपुर से कम प्लास्टिक से मुक्त करा करके ये शुद्ध गोरखपुर के रूप से उभर के रखें। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारीगण और उपस्थित छात्र छात्राएं, जैसा कि आगे आए हो गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान और जो हमें शपथ दिलाई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसी कोई भी प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार यूज हो सकती है, उस सभी प्लास्टिक का हम बहिष्कार करेंगे। और पॉलीथीन
जिसमें हम सब्जियां या किसी प्रकार की भी सामग्री, खाद्य सामग्री या जो भी चीज़ कैरी करते हैं उसका कम्प्लीटली प्रतिबंध करें। इन दोनों चीज़ों पर गोरखपुर जनपद के जनमानस को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, और ये बात आप लोगों के माध्यम से आज उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और सभी लोगों की उपस्थिति में आप लोगों के माध्यम से प्रत्येक घर घर ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक और ये पॉलीथीन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है और इसको त्यागने में एक बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि आप यहाँ जो जो उपस्थित हैं, आप लोग जाके ये संदेश इस जनपद के, इस मंडल के दूर दूर तक ये लेके जाएंगे। आपको जैसे कि पता है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा विषाक्त है, जहर के रूप में है, सैकड़ों सालों तक ये डिग्रेड नहीं होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। अतः आपसे पुनः मैं अनुरोध करता हूँ कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार और पॉलीथीन का कंप्लीट प्रतिबंध जो है उसका अनुपालन हम इस जनपद में सुनिश्चित कराएं, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद। लोग यूज एंड थ्रो जो प्लास्टिक होता है, वन टाइम जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसको समाप्त करने के लिए एक बीड़ा उठाया कि स्वच्छता भारत की संस्कृति रही है और हमारी संस्कृति को दुनिया अपनाकर स्वच्छता के क्षेत्र में कितने आगे चली गई है। जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो इस कमी को उन्होंने महसूस किया और लाल किले से भारत को स्वच्छ और सुंदर चलाने का अभियान किया और आज उसी के तहत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, थर्मोकोल ग्लास इसको कर दिया है। यह अर्थ को सुरक्षित रखना है तो हमें जो हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण हमें सुरक्षित सौंपा है, आगे आने वाली पीढ़ी को हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण मुक्त उन्हें मुहैया कराए। मंडल से अभियान चलाए, जिला से चल रहा है, सब जगह ये हमारे बच्चे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपने पेरेंट्स को झोला दे दें बाजार जाते समय, विशेषकर इन बेटियों को। हम बिना झोले के जाते हैं और प्लास्टिक में लेकर सामान आते हैं और पूरा पर्यावरण बना सकते हैं। मंडलायुक्त साहब के आग्रह पर कार्यक्रम महोदय, जिलाधिकारी महोदय, आईजी साहब जिन्हें प्रमोशन भी मिला है, मैं गोरखपुर वासियों की तरफ से सभी पदाधिकारियों को और इस अभियान से जुड़े हुए सभी बच्चों को सर्ववासियों के कर रहे हैं और हम सब इसकी रैली की शुरुआत करते हैं और हम सब इस शपथ को लेते हैं कि किस स्वच्छता को बनाए रखेंगे। और जैसा महापौर साहब ने कहा है, सभी बच्चियों और सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को झोला थमा दें हाथ में, पॉलिथीन बंद। थैंक यू सर, थैंक यू।
सर्दी से अरे हमने आप लोगों को भी हो तो दीजिए सर सर इधर सर आप भी ले लीजिए इनको भी दे दीजिए धन्यवाद।
बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जनाया है कि 2 अक्टूबर से जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ एक बार प्रयोग में आ सकता है, उसका बहिष्कार किया जाए और उसका अनुपालन हम गोरखपुर मंडल और गोरखपुर जनपद में सुनिश्चित कराना चाहते हैं। और उसी के आह्वान में महापौर साहब के नेतृत्व में आज सारे अधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। हमने जो नगरीय अंचल के महत्वपूर्ण मार्ग हैं उन पर आज विचरण करते हुए ये संदेश का प्रचार और प्रसार करने की प्रयास किया है। और आपसे निवेदन है कि आप भी इस संदेश को दूर दूर तक ले जाएं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपको पता है कि पॉलीथीन बैन है, और इसलिए मैं अभी भी देखता हूँ जब बाज़ारों में और छोटी छोटी दुकानों में ये पॉलीथीन का प्रयोग पाया जाता है, ये बड़ी दुखद बात है। और ये हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके पर्यावरण संरक्षण, उसके जीवन यापन और उसकी जो पूरा इकोसिस्टम है उसको संरक्षण और संवर्धन के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अतः इसको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और पुनश्च आपके माध्यम से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार और पॉलीथीन का कंप्लीट प्रतिबंध का हम आह्वान जनाते हैं इस पूरे गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर जनपद में। धन्यवाद। जूट का जो महापौर साहब ने जो सभी अधिकारियों को जूट की निर्मित बैग और पानी की बोतल रखने का जो केस दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये एक सांकेतिक प्रयास है ये बताने का कि ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक नहीं होगी तो हम अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते हैं। और उसके प्रयास में हमें जूट, पेपर और भी जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है उसको उपयुक्त करते हुए हमें नई वस्तुओं को निर्माण करने की आवश्यकता है। और इसको और हम आगे बढ़ाएंगे इस जनपद में और मंडल में। जय।